जैसे आपके आइल्स का स्कोर जनरली 6 चाहिए, 6.5 चाहिए, तो वहाँ 4.5 ईच चाहिए। वहाँ एक बीच है, मेरे को नहीं पता कि मेलबर्न में है कि नहीं है, वहाँ एक बीच है जहाँ आप बहुत क्वाइट लाइफ है और जो बस है वो सड़क पे चलती है और उसके बाद उसका ट्रैक बना हुआ है, वो ट्रैक पे चलती है उसके बाद, और ड्राइवर हाथ छोड़ देता है अपने। रेंट इज कंपेरेबली चीपर इन आइडलेट, है ना। अगला पॉइंट है यूनिवर्सिटी फीस। तो जेनेरिक फॉर एग्जाम्पल, भाजी ने डिग्री कर ली यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, काफी अच्छी डिग्री करी, काफी सारा एक्सपीरियंस गेन किया, ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड एडिलेड को चुना गया। तो अभी रिसेंटली तो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, तो मतलब रीजनल में क्यों मूव होते हैं। रीजनल वर्सेस सिटीज फॉर ऑस्ट्रेलिया और इन ऑस्ट्रेलिया क्या डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है, एंड कौन सी जगह बेटर होती है, कहाँ पर एंटरटेनमेंट लेवल्स कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे मजा कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग कितनी है, और काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। पीआर के क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, कहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, कहाँ पर नहीं मिलते, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग नए चैनल पर नहीं चला गए, सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले पहले हम लोग आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग पर या फिर हाउसिंग पे, कि कैसा है उधर, महंगा है, सस्ता है, रेंट पे, या फिर कोई खरीदने का भी सोचता है तो कैसा है वहाँ पर। एक्चुअली लास्ट 2-3 साल से एडिलेड की जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ऊपर चली गई है, क्योंकि एडिलेड साउथ ऑस्ट्रेलिया कुछ ज़्यादा एडिलेड ज़्यादा बड़ी सिटी नहीं है, और उसकी वजह से क्या कि जो इंटरस्टेट बंदे मूव हुए हैं वहाँ, तो वहाँ बहुत शॉर्टेज आई हुई है, और जिसकी वजह से जैसे बंदे सिडनी में रह रहे हैं उन्होंने एडिलेड में घर ले लिए हैं, क्योंकि वो ज़्यादा फैला हुआ नहीं है। और अगर हम कंपेयर करें कि एडिलेड का 35-30 किलोमीटर का जो एरिया है, तो वहाँ घर की वैल्यू जनरली 7 लाख से ऊपर है। मेलबर्न में ऑब्वियसली वो ज़्यादा होगी, पर मेलबर्न बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो वहाँ रेंटिंग भी सेम, रेंटिंग यूनिट का रेंट जनरली 400 प्लस है, 2 बेडरूम यूनिट है, तो वहाँ पिछले 2 साल से शॉर्टेज है हाउसेस की। हाउसिंग क्राइसिस तो पूरे ऑस्ट्रेलिया में चल रहे हैं, खैर वो चलते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, कुछ ज़्यादा ही डाउन हो रखे थे कि लोगों को जो रेंट पे भी लोग रहने वाले थे मिल नहीं रहे थे उनको घर, या मिल रहे थे काफ़ी ज़्यादा रेंट हाई था। हम लोग खुद यहाँ पे 2 बेडरूम अपार्टमेंट का $2400 पे करते हैं, विच इज़ क्लोजर टू 15 मिनट्स रेडियस ऑफ सिटी, तो ये हिसाब से लगा सकते हो कि 800 पर वीक हो गया हमारा, 800 हो गया ना, 600 पर वीक हो गया, बट बिल्स वगैरह लगा के थोड़ा पड़ जाता है एक्सपेंसिव, बट सही बात है कि एडिलेड का 30 किलोमीटर का रेडियस है, उसके अंदर ही सब कुछ है, उससे दूर जाओगे तो वहाँ घर ही नहीं है, होंगे एक दो, कोई कोई रहता हो फ्रेंड मत हो जाना, बट वैसे ऑफकोर्स जैसे हर सिटी का अलग है, सिडनी भी फैला हुआ है, ठीक है, आप 60 किलोमीटर दूर भी जाके रह सकते हो, मेलबर्न में भी 50-60 किलोमीटर दूर जाके रह सकते हो, बट एडिलेड में वहाँ घर ही नहीं है, तो वो चीज़ हम लोग को कंसिडर करनी चाहिए। बट रेंट इज कम्पेरेबली चीपर इन एडिलेड, है ना, कम्पेयर टू मेलबर्न और एनी अदर सिटी। हम लोग आते हैं वेदर पे, वेदर कैसा है भाई वहाँ पे। एडिलेड का वेदर तो बहुत अच्छा है, वहाँ पे गर्मियाँ में थोड़े ड्राई होती है, पर जनरली हॉट, और विंटर माइल्ड विंटर्स है, बहुत ज़्यादा ये नहीं कि आप कुछ 2-4 दिन कुछ 2-3 डिग्री वाले होंगे, पर वेदर मैं बोलूँगा विक्टोरिया से बहुत बेहतर है, क्योंकि विक्टोरिया में तो पता नहीं कब आपका जंपर उतर जाए, कब जंपर चढ़ा लेते हो, कभी उतर जाता है, तो दिन में विक्टोरिया में यही काम रहता है, पर एडिलेड का वेदर आई वुड से वेरी वेरी नाइस। मेलबर्न का मैं बताऊँ, एक दिन में आपको 4 वेदर देखने को मिल जाते हैं, सुबह सुबह धूप आ रही है, फिर कभी बारिश हो गई, फिर क्लाउडी हो गया, फिर से धूप आ गई, फिर ऐसे ठंड हो गई, ऐसे पूरा दिन चलता रहता है, बट एडिलेड का वेदर इज मोर स्टेबल, ठीक है, इफ़ वी कंपेयर ब्रिस्बेन और सिडनी, विच आर टू अदर सिटीज एज वेल, तो ब्रिस्बेन गर्म रहता है ज़्यादातर, ठीक है, सर्दियाँ भी होती है बट मेलबर्न से कंपेयर ज़्यादा नहीं होती, प्लस सिडनी इज ऑल्सो अ बिट मोर ह्यूमिड। मैं जब सिडनी गया था वापस, मैं सिडनी रह चुका हूँ 2 साल, तो मेलबर्न से जब मैं वापस कभी कभी बीच में घूमने आता था तो मेरे को चुभने वाली गर्मी लगती थी सिडनी में, ऑन दी अदर हैंड मेलबर्न में हवा चलती रहती है तो वो ज़्यादा चुभने वाली नहीं लगती, बट हाँ वेदर का आप लोग कंसिडर कर सकते हो कि एडिलेड का स्टेबल वेदर है, विच इज़ वेरी नाइस, ऑपोजिट है इंडिया से, मान लो जून में अगर इंडिया में गर्मी हो रही है तो यहाँ पर ठंड हो रही है, सेम मेलबर्न में भी, तो क्योंकि सदर हेमिस्फीयर में आता है तो वो थोड़ा वेदर ऊपर नीचे हो जाता है, तो वो चीज़ आप लोग कंसिडर कर सकते हो। मेलबर्न में दिसंबर में आओ चाहे तो आपको यही फील होगा कि यहाँ अभी सर्दियाँ ही हैं, सर्दियाँ पता नहीं, जब भी आओ सर्दियाँ ही दिखती हैं, रात रात को तो ठंड हो ही जाती है, बिल्कुल बट दिन में एसी चलाना होता है तो वो चलता ही है, दबा बीच का मजा अगर लेना है तो एडिलेड में लेना, ज्यादा बीचेस भी ज्यादा सुंदर है, क्लीन है,
और बीचेस का मजा भी वहाँ ज्यादा लेते हो, यहाँ तो ठंड लगती है, यहाँ ठंड लग जाती है। अगला पॉइंट है यूनिवर्सिटी फीस। तो जेनेरिक यूनिवर्सिटी में कोई मान लो मास्टर्स करने के लिए आ रहा है तो उसकी ऑन एन एवरेज फीस कितनी होगी नॉर्मल कोर्स की? जनरली एडिलेड की जो यूनिवर्सिटी, एडिलेड में तीन मेन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया और फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी, इनकी फीस रिलेटिवली चीपर है। जो मोनाश है, मेलबर्न यूनिवर्सिटी है या RMIT है, तो ऑल्दो वो यूनिवर्सिटीज बहुत उनका लेवल अच्छा है पर उनकी फीस कम है। जनरली इट वुड बी अराउंड 120-130, डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो, कौन सा कोर्स कर रहे हो। फॉर मास्टर्स में तो कम होगी ना, मास्टर में होगी लाख से ऊपर, बैचलर्स में ये तो लाख से ऊपर है ही, मास्टर में जनरली 80,000-90,000, मतलब यही लगा लो कि $20,000 पर सेमेस्टर, क्योंकि बड़ी यूनिवर्सिटीज है। सेम इफ यू वांट टू गो टू मोनाश और मेलबर्न, वहां पर भी ज्यादा फीस होती है। अगर आप लोग उससे थोड़ा कम यूनिवर्सिटीज में आ जाओ, लेवल वाइज नहीं बट वैसे बजट के अकॉर्डिंग, मेन देखो ऑनेस्टली क्या बात होती है, जहां पर आपको सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप मिल रही है वहां पर जाओ, क्योंकि इन द एंड आपकी डिग्री मैटर करेगी, ठीक है, चाहे आपने कहीं से भी करी हो और आपके पास जॉब हो, आप स्किल अटेन कर रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल भाजी ने डिग्री कर ली यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, काफी अच्छी डिग्री करी, काफी सारा एक्सपीरियंस गेन किया, वहीं पे मैंने भी मोनाश से डिग्री करी, ठीक है, जो सेम लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज में आती है। हाँ, मोनाश इज अ बिट मोर एक्सपेंसिव बट मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कोई स्किल ही नहीं अचीव किया, फिर हम ये नहीं बोल सकते कि मोनाश अच्छी नहीं है या वो अच्छी नहीं है, क्योंकि पाजी ने ज्यादा स्किल्स गेन करे तो उनको मेरे से बेटर जॉब मिली। तो इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन कि हाउ मेनी स्किल्स यू गेन, हाउ मेनी आप कितना अपना एक्सपीरियंस आप ले सकते हो अपनी डिग्री के साथ साथ, तो वो ज्यादा मैटर करता है। तो आफ्टर ऑल आप लोगों के लिए ये चीज मैटर करेगी कि कितने ज्यादा फीस है, नहीं स्कॉलरशिप अच्छी लो, अपने स्किल अटेन करो और ऑस्ट्रेलिया में चीजें सीखो, जितने ज्यादा चीजें सीखो प्रैक्टिकल स्किल्स पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने आप बैठोगे तो उसको पता लग जाएगा कि क्या क्या किया है, क्या क्या गुल खिला रखे हैं भाई ने वाले। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं ट्रांसपोर्टेशन पे। तो एडिलेड में ट्रांसपोर्टेशन में मैं भी जा चुका हूँ एडिलेड, तो कितनी कॉस्ट होती है ट्रांसपोर्टेशन में, ए टू बी कहीं जाना है आपको मान लो तो? एडिलेड में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जनरली चीपर है विक्टोरिया से, अगर आपने ए टू बी जाना है तो $2-2.5 लगते हैं, 2-2.5 घंटे वो टिकट वैलिड होती है। वहाँ पे ओबान है, मेरे को नहीं पता कि आपने ओबान का ट्रैवल की है कि वो ओबान क्या है कि इट्स ओनली इन एडिलेड, वो जो बस है वो सड़क पे चलती है और उसके बाद उसका ट्रैक बना हुआ है, वो ट्रैक पे चलती है उसके बाद, और ड्राइवर हाथ छोड़ देता है अपने या स्टेयरिंग से उसके कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रैक्स उसको गाइड करते हैं। 4 स्टेशन ही बने हुए हैं और वो अगर लेट से कि आप सिटी से 15 किलोमीटर दूर हो तो वहाँ ओबान का स्टेशन है, तो जनरली 6-10 मिनट में वो, कोई रेड लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा एटी का जोन है, सीधा पहुंचती है। ये बढ़िया चीज़ें सुने नहीं मैंने, देखा भी नहीं ओबान, यस। जबकि मेलबर्न में आपकी कॉस्ट नॉर्मली डे की अगर आप लोग ट्रैवल करोगे तो $10 होती है, $5 आना $5 जाना, प्लस मेलबर्न सिटी के अंदर ट्रैम्स बसेस एंड एवरीथिंग इज फ्री, ठीक है। अगर आप लोग सिटी में कहीं घूम रहे हो, एक प्रॉपर स्पेस दे रखा है मैंने मैप पे, आप लोगों को दिखा दिया होगा साइड में आ गया होगा स्क्रीन पे कि अगर कोई प्रॉपर स्पेस है तो वहां पर आप लोगों के ट्रैम जोन्स फ्री हैं, ट्रेन्स बसेस, तो वो काफी ज्यादा कूल चीज है। जैसे ट्रैम्स तो वहां पे भी है विद इन द सिटी फ्री है वो भी, यहां पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है एक्सटेंसिव है वहां पे इतना, क्योंकि एडिलेड छोटी सिटी है तो वहाँ ट्रैम्स विद इन द सिटी और ग्लेनेल्क तक जाती है, ओबान चलती है, बट सही है भाई वो ट्रैम्स का भी इतना ज्यादा कुछ स्ट्रेसफुल नहीं है, सारा ऑटो सारी चीजें कनेक्टेड है, इतना कुछ ज्यादा स्ट्रेस नहीं है। आते हैं लाइफस्टाइल पे, लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है वहाँ पर? मैं बोलूंगा कि विक्टोरिया का अच्छा होगा क्योंकि वहाँ बहुत क्वाइट लाइफ है और बैलेंस लाइफ है, वहाँ फास्ट पेस कुछ नहीं है, ठीक है, बंदे घूमते हैं वीकेंड पे, फ्राइडे सैटरडे नाइट्स होती हैं, छोटी सिटी की वजह से क्लब भी थोड़े होंगे पर क्लब है, बंदे जाते हैं, रश होता है वहाँ, जो भी वहाँ हैपनिंग प्लेसेस हैं वहाँ रश होता है, पर ऑब्वियसली मेलबर्न बहुत बड़ा है तो यहाँ भी फास्ट पेस्ड है। कहना चाहूँगा कि यहाँ लोग सड़क पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं रादर देन होम, क्योंकि आने जाने में टाइम ज़्यादा लगता है वहाँ, आधा घंटा अगर आप बीच पे हो, अगर आप सिटी में हो आधा घंटा जाओगे तो राइट हैंड साइड बीच आ जाएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड जाओगे तो हिल्स आ जाएंगे, तो आधे घंटे में सारा कुछ कवर हो जाता है। नहीं अभी मैंने सुना था किसी को कहीं से आना हो तो आधा घंटा मैक्स है, उससे ऊपर नहीं लगेगा, उसके ऊपर। हम लोग एडिलेड में थे, कहीं जाना था तो मैच हो रहा था वहाँ पे, तो पूरे बिजी थी रोड, तो मेरे को आ गया मैसेज, मैं मीटअप कर रहा था कि बहुत बिजी है, ट्रैफिक है, 10 मिनट में क्लियर हो गई, ट्रैफिक थोड़ी था। तो ऐसा है कि यहाँ पर अगर ट्रैफिक है तो है, दिल्ली वाला गुड़गांव वाला इतना ज़्यादा तगड़ा नहीं, ऑफकोर्स क्लियर हो जाता है, बट एडिलेड में आपको लगेगा ट्रैफिक है बट वो इतना बिजी नहीं होता क्योंकि लोग कम है ऑब्वियसली वहाँ पे कंपेयर टू मेलबर्न और एनी अदर सिटी।
और मतलब एनी अदर सिटी, मेन सिटी, बाकी रीजनल सारे कॉमनली ऐसे ही होते हैं। लोग थोड़े से लेट बैक है यहाँ पर भी कभी कभी, मतलब एडिलेड में ज्यादा लेट बैक है, बहुत क्वाइट है, आप लोगों को 7-8 बजे के बाद खाली दिखेंगी सिटीज, बिल्कुल कोई होगा नहीं। और ऑब्वियसली 5 बजे यहाँ पे भी चीजें बंद हो जाती हैं शाम को, एडिलेड में भी थर्सडेज को यहाँ पे 9 बजे तक होता है, वहाँ पे 9 बजे तक शॉपिंग, और वीकेंड पे भी यहाँ पे सैटरडे 9 बजे तक होता है, फ्राइडे भी, कोई चैटसन शॉपिंग सेंटर जैसे, बट हाँ एडिलेड में कम ऑप्शन है, बट हाँ सब कुछ है, सारी चीज़ें इंडियन ग्रोसरीज मिल जाएंगी आप लोगों को, सब कुछ मिल जाएगा रहने को भी। और हाँ ऑस्ट्रेलियन लाइफस्टाइल यही है, काम 9 to 5 और फिर अपना एंजॉय करो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो। तो इसी थीम पे उन्होंने यही बना रखा है कि 5 बजे दुकानें बंद कर दी और किसी एक दिन खोल दी कि रात को जाके लेके आ सकते हो, बट यहाँ पर फैमिली को ज़्यादा प्रेफर करते हैं ऑस्ट्रेलिया में टाइम देना लोग, मतलब गवर्नमेंट भी ये करती है कि टाइम स्पेंड करो घर वालों के साथ, तो वैसा लॉजिक भी है एक तरीके से, और सही कह रहा हूँ ना बिल्कुल। और कुछ तो बात है वहाँ जो कि ब्यूटीफुल सिटी इन द वर्ल्ड एडिलेड को चुना गया है, तो अभी रिसेंटली तो वहाँ एक बीच है, मेरे को नहीं पता कि मेलबर्न में है कि नहीं है, वहाँ एक बीच है जहाँ आप अपनी कार बीच पे लेके जा सकते हो, मतलब पानी में लेके जा सकते हो कि वो निकाल भी देंगे पर ज्यादा अंदर नहीं जाना, पर वहाँ वो एंजॉय कर सकते हो। हाँ मैंने देखी है वीडियोस की जहाँ पे वो यूट चला रहे होते हैं 4x4 अपना लेके जाते हैं बीच पे, भी बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल वहाँ पे पिंक लेक्स भी काफी सारी हैं, एडिलेड इज वेरी ब्यूटीफुल, वहाँ पर हैंड ऑफ भी है जो जर्मन विलेज है, काफी ज्यादा अच्छा है ऑटम के टाइम पे, तो हमने भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया था, काफी ज्यादा मजा आया। अभी हम लोग पीआर पे आएंगे, पहले हम लोग बात करते हैं एंटरटेनमेंट की, तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट के ऑप्शन क्या होते हैं, लोग कैसे एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ। एंटरटेनमेंट के ऑप्शन वहाँ ज्यादा फेस्टिवल्स है, फ्रिंज फेस्टिवल हो गया, या वाइन रीजन है वहाँ वाइन टूर हो गए, या एक आधारित रेस होती है जो मेलबर्न मेलबर्न कप, एडिलेड कप होता है पर वो मेलबर्न कप जितना बड़ा नहीं होता, और विक्टोरिया जो मेलबर्न है वो स्पोर्ट्स हब है, यहाँ पे तो मेजर F1 के हो गया, या MCG में जो भी AFL का फाइनल या जो भी बॉक्सिंग डे टेस्ट है वहाँ होते हैं, पर ये बेसिकली अगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट की बात करो, ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गए या कोई भी जो इंटरनेशनल लेवल का हुआ है वो मेलबर्न में ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे क्राउड ज्यादा है और ऑब्वियसली फैसिलिटीज ज्यादा है। बाकी कोई मैच मेन होता है तो लोग ट्रैवल करते ही है, ऑफ कोर्स 8 घंटे की ड्राइव है, 2 घंटे की, 2 घंटे की फ्लाइट है, 1 घंटे की फ्लाइट है, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ तो मतलब आधा एडिलेड यहाँ आया हुआ था। तो ऐसे करते हैं लोग की फैमिली आ रही है तो ड्राइव करके ही आ जाते हैं, क्योंकि एक्सप्लोर भी करना होता है, और हाँ वैसा रहता है 1 घंटे की फ्लाइट है। मैं खैर फ्लाइट से तो नहीं गया, मैं ड्राइव करके गया था क्योंकि केंजो था हमारे साथ इसलिए, बट ठीक है। अगला हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे कि लोग सिटीज़ में वो रीजनल में क्यों मूव होते हैं, बिकॉज ऑफ PR फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना, यही सबसे ज़्यादा मेन आइडिया होता है कि PR के लिए लोग भागते हैं रीजनल एरियाज़ की तरफ, ठीक है। तो वहाँ पर क्या फ़ायदा होता है PR का, जो लोग इतना प्रेफर करते हैं कि रीजनल जाना चाहिए। देखो वहाँ एक फ़ायदा कि आप रीजनल में हो तो आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, फिर वहाँ अभी डामा चल रहा है, डामा में एम्प्लॉयर वीज़ा बहुत पॉपुलर हैं, और उसके बाद ये कि उसमें कंसेशन भी आ जाता है, मतलब कंसेशन मींस जैसे आपके आइल्स का स्कोर जनरली 6 चाहिए, 6.5 चाहिए, तो वहाँ 4.5 ईच चाहिए, विच इज़ अ कंसेशन। मेट्रो सिटीज है वहाँ, उस वहाँ के लिए आपको अगर आपने क्या बोलते हैं एज PR डालनी है तो आपकी यू शुड बी अंडर 45, तो वहाँ पे एज कंसेशन भी है, आप 55 तक आप वीज़ा डाल सकते हो। तो ऐसी चीज़ें हैं अगर साउथ ऑस्ट्रेलिया में अपना जाना है PR के लिए स्पेशली, तो वहाँ ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं अभी, क्योंकि ये कंसेशन कई कई की एज किसी की ज़्यादा हो रही है, किसी से आइल्स क्लियर नहीं हो रहा, तो ये चीज़ें वहाँ पॉसिबल है, और स्टूडेंट को 5 पॉइंट भी मिलते हैं। यस बिल्कुल, 5 पॉइंट्स आप लोग जब PR अप्लाई करते हो तो बन जाता है, आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। एक PR कैलकुलेटर भी होता है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर जाके आप अपने पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, इवन इफ यू आर स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया, यू हैव फिनिश्ड योर स्टडीज और यू स्टेइंग इन इंडिया प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, आप लोग अपने पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हो उसमें, जो जो ऑप्शन है फिल आउट करके। मेजर मेजर चीज़ हो गई कवर। तो हम लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें कवर की इस वीडियो में, आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इफ यू आर प्लानिंग टू मूव टू ऑस्ट्रेलिया और स्विच द सिटीज। तो हाँ एडिलेड इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शंस, प्लस गोल्ड कोस्ट है बाकी, ठीक है, सिडनी के आप लोग रीजनल में चले जाओ, कहीं भी जा सकते हो, आपके ऊपर है, जहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी अच्छी मिल रही है, अच्छे आप लोगों को ऑप्शंस मिल रहे हैं, कुछ ज़्यादा सोचने का नहीं है कि इतना कम है। खैर जो सबसे पहले जहाँ जाता है उसको वो चीज़ अच्छी लगती है, ठीक है, ये तो है ही, बट अगर मैं आपको ऑनेस्ट अपना ओपिनियन दूँ, मैं दोनों सिटीज़ में रहा हूँ प्लस मैं रीजनल भी घुमाऊँ, तो थोड़ा सा काम है, मतलब कि मतलब काम ज़्यादा करने वाला नहीं बट काम डाउन है, लेट बैक सिटी है जैसे हम लोगों ने बताया, सुंदर है, काफ़ी सारी चीज़ें करने को, सब कुछ मिल जाता है आप लोगों को, खाने का भी सामान मिल जाएगा, ग्रोसरी हर टाइम पे, बट ऐसा वो नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिजी है, थोड़ा क्वाइट है, थोड़ा लेट बैक सा, रिलैक्स, आराम से पैसा कमाओ, ठीक है, पढ़ाई करो। और एक बात और मेंशन करना चाहूँगा कि आप एडिलेड पे
जाके मेट्रो सिटी में रह के आप जो भी रीजनल के जो भी पॉइंट्स है वो क्लेम कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आप लोग अगर सिटी में भी रह रहे हो तो भी आप लोग पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो अपने, भले अगर मेलबर्न सिटी में रह रहे हो तो नहीं कर सकते, बट वहाँ पे रह के आप सिटी में रह के भी रीजनल के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो थोड़ा टाइम के लिए ये एडिलेड भी है ना रीजनल, फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा सिटी। वो बीच में आता है कि एडिलेड के कुछ मतलब मेन सिटी मेट्रो में या बाकी रीजनल में, पर अभी इस बार ही तो सारा रीजनल है, मेट्रो भी जो मेन सिटी है वो भी रीजनल में आ रही है। तो अगर आप लोगों को कोई और भी डाउट्स है, नीचे डिस्क्रिप्शन फॉर्म है, जाके आप लोग फिल आउट कर सकते हो फॉर होलिस्टिक माइग्रेंट सॉल्यूशंस, दे'ल आंसर ऑल योर क्वेरीज। एंड हाँ, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच भाई जी। और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कुछ ज्यादा सब्सक्राइब करना, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको मिलते हैं। पाजी अरे कितनी तेज तेज बोलता है, ये वीडियो भी देखते है ना, तो कुछ बोल रहा है पर यही है कि फॉलो करे कुछ करेगा ना।